हमारे साथ है हमारे गजोदर भैया आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत स्वागत है भैया अरे ठीक है आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे आजकल एक फिल्म आया है यमला पगला दीवाना हाँ। उसमें हमारा नाम धर लिया है गजोधर अब गजोधर नाम से पूरा दुनिया हमें जानता है हम जहाँ जाते हैं बोलते हैं गजोधर भैया आ गए गजोधर भैया आ गए एक झटके में हमारा नाम ले लिए ये घोर अंधकार है गरीब के साथ अन्याय किए हैं अरे भैया लेकिन इतने दुखी होने की क्या बात है अरे कहा ना दुखी हो ये फिल्म में दिखाया है कि जो गजोधर है सबके साथ धोखा करता है चीटिंग करता है पर्स मार देता है हमारा बदनामी हो रही है हम जहाँ भी जाता हूँ दोस्ती में रिश्तेदारों में शादी ब्याह में कोई घर जाता हूँ हमें साथ में बिठाते नहीं सब डरते हैं पर्स मार देगा आ, लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है देखो ना आपका नाम कहा गाँव में गजोधर था और देखो एकदम इतनी बड़ी फिल्म में आ गया का फिल्म हमारे लिए बनाया है अपने लिए बनाया है समझे पूरी फिल्म में गजोधर गजोधर हो रहा है सब मिलके पैसा कमा रहे हैं सब वही पैसा से हमारे पैसा से सब विदेश चले गए विदेश और स्विमिंग पूल में ऐसे बैठे हैं आ, हम यहाँ खेत में लेटे हैं ऐसे अच्छा ये बताइए कि आप सबसे ज्यादा नाराज किस बात पे हैं हमें सबसे ज्यादा नाराजगी ये है कि हमारा नाम जो लिए हैं गजोधर उनको दे दिए हैं का नाम है बॉबी को अरे अच्छे कलाकार को देते का उनके पिताजी को दे देते धर्मेंद्र को धर्मेंद्र अपना नाम रख लेते हमें कोई परेशानी नहीं रहा कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा हमें खुशी होता आज हमारे साथ है एक फिल्मी स्ट्रगलर आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत वेलकम टू तो आर शो हाय आप कहते हैं कि गोडीज जैसे रियलिटी शो में आपने बहुत कुछ सीखा है ऐसी ऐसी लेटेस्ट फ्रेश गालियां सीखी हैं यू कांट बिलीव परिमेटिक बस 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 सर फैमिली शो है आ, आप कहते हैं कि मिस्टर शेफ जैसे रियलिटी शो में आप इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको अपने करियर की परवाह है सच है मैं फ्लॉप होस्ट और फ्लॉप लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता आखिर मार्केट मेरी रिप्यूटेशन है यार <laughs> <laughs> आपका कहना ये है कि बिग बॉस जैसे रियलिटी शो को ही आप प्रेफर करते हैं एज़ यू नो कि मैं एक स्ट्रगलर हूं दो मिनट के लिए कैमरे के सामने आने के लिए मैं कितनी भागा दौड़ी करता हूँ तो 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 <laughs> आप लोगों का कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है अब रियलिटी शोज में वीना और अश्विन जैसे फ्लॉप एक्ट्रेस भी आने लगे तो एक जबरदस्ती का कॉम्पिटिशन हो गया जिसकी कोई मीनिंग नहीं है <laughs> आज हमारे साथ है प्याज के होलसेल व्यापारी मिस्टर वजनमार आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत स्वागत है आपका राम राम भाई <laughs> हमारे भ्रष्टाचार बोलेगा तो झपट ये पहले से था मैं खाली उसको बढ़ाया है <laughs> आपके बारे में ये भी सुनने में आए कि आप प्याज चार रुपए का खरीदते किसानों से और चालीस रुपए का बेचते बराबर है तो तुमको पकड़ने का है ना अरे तो पहले उसको पकड़ो जो मेरे से चालीस रुपए किलो कांदा खरीदता है और मार्केट में अस्सी रुपए में बेचता है फिर बात करो ना भाई हाँ हाँ अच्छा हमारे सुनने में ये भी आया है कि आप अपनी बहुत करते हैं हम लोग का मनमानी किधर चलता है अरे बाबा ये नेता लोग है ना ये जो बोलते मेरे को वो करना पड़ता है अच्छा हमारे सुनने में ये भी आया कि आप ब्लैक मार्केटिंग करते हैं

हाय ओह हेलो सर आपने आशुतोष जी की फिल्म खेले हम जी जान से आखिर क्यों की यू you नो know, गलती इंसान से होती है और मैं भी एक इंसान हूँ <laughs> आप जब फिल्म साइन करते हैं तो आप अपनी रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचते आई मीन आप किसकी संतान है खाली दिमाग और खाली आदमी कुछ भी कर सकता है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ एक मैं और एक तू है डा रा डा डा सर आप साल में एक या दो ही फिल्में क्यों करते हैं मैं दो चीजें बहुत मानता हूँ श्रद्धा और एक सबूरी और बचपन से मुझे सिखाया गया है जितना मिल जाए उतने में सबर करो <laughs> मैं सबर करता हूँ एक मैं और एक तू है दारा दा 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 दा। <laughs> <laughs> ये सब जो कर रहे हैं वो हमारे शो के लिए अच्छा लेकिन हम इसके पैसे नहीं देने वाले ओके okay. मैं आज नेशनल टीवी में बताना चाहता हूँ मैं फिल्में पैसे के लिए नहीं करता ऐश के लिए करता हूँ पैसे तो मेरे डैड कमाते हैं नहीं। है? आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी नर्स से शादी कर ली स्वागत है आपका सर हेलो 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 अतः सर कैसी चल रही है आपकी मैरिड लाइफ एकदम बकवास चल अब जब तक उसको सिस्टर कहो नहीं सुनती नहीं सिस्टर चाय ला दो सिस्टर खाना दे दो अच्छा <coughs> पिछले दिनों ऑपरेशन करते वक्त आप अपना मोबाइल फ़ोन एक मरीज के पेट में ही भूल गए फिर क्या हुआ उसके बाद बग़ैर मोबाइल की बड़ी परेशानी हुई आजकल विदाउट मोबाइल मूव करना तो बहुत मुश्किल है अब फिर मैं सीधा दुकान में गया वहाँ फिर नया मोबाइल ख़रीदा वो भी लेटेस्ट मैं इसी मोबाइल से काम चला रहा हूँ <laughs> अच्छा सर कल आपने अपनी पर्ची पर एक मरीज को ऐसी दवाई दी जो वो पूरे शहर में नहीं ढूंढ पाया अरे वो दवाई नहीं थी वो मेरे दस्तखत थे साइन थे दवाई तो मैं लिखना भूल गया <laughs> अच्छा सर कल आपने अपने डॉक्टर बेटे को डांटा क्यों? वो कल मेरी क्लिनिक में आया था सेठ ध्यानचंद की बरसों पुरानी बीमारी को उसने यूं ठीक कर दिया पर ये तो अच्छी बात है आपका तो खुश होना चाहिए ध्यानचंद जी की बीमारी को मैं बरसों से खींच रहा था उसी से इनकम हो रही थी उसी से मैंने इसकी पढ़ाई करवाई डॉक्टरी की आ, अच्छा डॉक्टर साहब क्या आपने अपने डॉक्टरी पेशे में ऐसा कभी अनुभव किया है की मुर्दा आदमी को आपने जिंदा कर दिया हो ये चमत्कार एक ही जगह होता है कहा टीवी सीरियल में